गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बच्चों, अभी हमारा हिंदी का पीरियड है और आप सभी दूसरी कक्षा में हो, तो आज हम कुछ अलग से अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार आज की पढ़ाई है। आपको बहुत पसंद है पढ़ाई? हाँ, तो बच्चों देखो, ये जो हमारा बुक है रोली, यहाँ पे आपको कुछ पहेलियाँ दिखेंगी। तो पहले आज हम कुछ पहेलियाँ देखने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? पहले कुछ पहेलियाँ देखने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें से हमारी पहली पहेली है, डोर बांध कर झट उड़ जाती, सर सर फर फर कर पी जाती, बिना वो गोटा खाती, रंग बिरंगी सबको भाती। बोलो कौन? यहाँ पे कितने सारे चित्र दिए हुए हैं? चार चित्र दिए हुए हैं, तो इसमें से इसका जवाब है, आपको मालूम है? हाँ, इस पहेली का जवाब है पतंग। हाँ, इसके बाद हम दूसरी पहेली देखेंगे। जल की रानी कहलाती, बिन पानी मर जाती हूँ, तीन अक्षर का मेरा नाम, जो बताए उसे सलाम। कौन है? इस पहेली का है मछली। वेरी गुड। उसके बाद हम तीसरी पहेली देखेंगे, बारिश में वह नाच दिखाए, गोल घूम कर पंख फैलाए, पीयू पीयू आवाज बिगाए, नाच सभी को उसका पाए। बारिश आते ही कौन आनंद से नाचता है? मैंने बताया है आपको। हाँ, इस पहेली का जवाब है मोर। वेरी गुड। इसके बाद हम चौथी पहेली देखेंगे, मैं फलों का राजा, चूस चूस कर खाओ, मीठा मीठा शेक बनाओ, जल्दी मेरा नाम बताओ। कौन? फलों का राजा कौन है? तो बच्चों, कैसी लगी आपको पहेलियाँ? बहुत अच्छी है और मजेदार है ना? हाँ, और यहाँ पे जवाब भी दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये जवाब ढूंढने हैं। ये पहेलियाँ आपको दो बार पढ़नी है, ठीक है बच्चों? थैंक यू। हेलो बच्चों, इससे पहले हमने क्या देखी थी? पहेलियाँ देखी थी, और आप सभी को बहुत अच्छी भी लगी। तो आज हम पहेलियों के पर एक कविता लिखने वाले हैं, जो कि हमारा है पार्ट 18, 1A80, ठीक है? और हमारी कविता का नाम है गुब्बारे। हमारी कविता का नाम क्या है? गुब्बारे। और ये जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हुई है। इस कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। गुब्बारे यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हुई है, ठीक है? तो आप बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद है ना? हाँ, रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, और हम बर्थडे पार्टी में और जहाँ पे शादी होती है वहाँ पे, या नामकरण विधि जहाँ पे होता है वहाँ पे, ऐसे कई समारोह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के लिए, है ना? हमारे स्कूल में भी हम क्या करते हैं, हम गुब्बारों से बहुत सारी डेकोरेशन करते हैं ना? और आप सभी को गुब्बारों से खेलने को भी अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चित्र दिए हुए हैं। तो पहले चित्र में एक बूढ़ा सा आदमी है और यहाँ पे तीन बच्चे हैं। तो इस बूढ़े आदमी के हाथ में कुछ गुब्बारे हैं, है ना?
एक दो तीन चार पाँच छह, हाँ छह ऊपर है यहाँ पे। हाँ और ये कैसे है, किस किस रंग के हैं? बहुत सारे रंग के हैं, लाल है, हरा, पीला, जामुनी कलर का है। इस प्रकार से यहाँ पे ये गुब्बारे है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी चित्र देखेंगे, तो यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, गुब्बारों से खेल रहे हैं। कोई गुब्बारा ऊपर उछल उछल रहा है, तो कोई हाथ में उसको पकड़कर फोड़ रहा है, तो कोई गुब्बारे को क्या लगाकर, डोर लगाकर उसको हवा में उड़ा रहा है। इस प्रकार ये बच्चे गुब्बारों से खेल रहे हैं। हाँ तो चलो अब हम ये पहले पढ़ेंगे अच्छे से। चलो अभी आप कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे। वेल गुब्बारों का लेकर शमशेर, और ये गुब्बारे बेचने के लिए आया है, ठीक है। तो ये शमशेर जो है ये गुब्बारे बेचने आया है, तो इसके पास कई रंग के, हरे, बैंगनी, लाल और सफेद रंग के क्या है, गुब्बारे है। और ये हमें गुब्बारे ऐसे ही दे रहा है, बिल्कुल नहीं नहीं इसका वो मोल लेगा, यानी कि इसके पैसे वो लेगा और आपको गुब्बारे बेच देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो गुब्बारे है उसको कई सारे आकार है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई गोल है, इस प्रकार कई आकार के गुब्बारे हैं, है ना। हाँ इसके बाद देखो, मुट्ठी में लो इसकी डोर, यानी डोर को यदि आप मुट्ठी में पकड़ लोगे तो इसको आप आसानी से हवा में उड़ा सकोगे। घुमाओ चारों ओर, इसकी डोर लेकर आप चारों ओर घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो कि हमें बहुत पसंद है, है ना। हाँ इसके बाद देखो, हाथों से दो इन्हें उछाल, इन्हें उछाल उछाल कर भी इसके साथ हम खेलते हैं, लेकिन ये उछाल कर खेलना हमें संभल कर करना चाहिए, खेलना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, किसी के ऊपर पड़ा जोर तो एक जोर का होगा शोर, यानी कि ये गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा, है ना। हाँ और गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। एक बार जो गुब्बारा फट जाता है वो वापस हमें मिल सकता है क्या? नहीं, तो हमें दूसरा गुब्बारा लेना पड़ेगा, इसीलिए वो गुब्बारा फट गया तो हमारा खेल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हमारा खेल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये कविता अच्छे से आपके ध्यान में आ गई, बहुत अच्छी है ना। हाँ तो इसमें कुछ हमारे लिए नए शब्दार्थ आए हुए हैं। पहला शब्द है ढेर, ढेर का मतलब है बहुत सारा, सिर्फ एक तो नहीं, बहुत सारा, कई, ठीक है। मुट्ठी यानी कि हथेली, आप सभी को है यहाँ पे हाथ, तो इसको क्या कहते हैं, हथेली। और इसको यहाँ हमारे जो उंगलियां है इनको ऐसे मुड़ने से ये बन जाती है मुट्ठी, ठीक है। इसके बाद है उछाल, उछाल यानी कि ऊपर की ओर उड़ाना, हम हवा में पतंग भी उड़ाते हैं, है ना, है शोर, शोर
यानी कि बड़ा धमाका, उसके बाद खत्म, खत्म यानी कि समाप्त, जिसको अंग्रेजी में हम फिनिश कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे पांच शब्दार्थ है जो कि आपको अच्छे से आपके कॉपी में लिखने हैं। बात का नाम लिखना है, इसके बाद हमें ये शब्दार्थ अच्छे हस्ताक्षर में लिखने हैं। आप सभी लिख रहे हो ना? हाँ, पेंसिल से लिखोगे सब, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आती है हमारे अभ्यास की। तो ये अभ्यास तो बहुत आसान है। देखो बच्चों, हमारा पहला सवाल है सहिया गलत लगाओ, यानी कि टिक और गलत, ये दो मास्क में लगाने हैं। तो एक एक वाक्य जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि ये सही है तो इसको आप करोगे टिक, और यदि ये गलत है तो इसको आप करोगे दूसरा चिन्ह दे दोगे गलत का। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो हमारा दूसरा सवाल है, क्या गोल है और क्या लंबा पिलाओ, यानी कि यहाँ पे कुछ वस्तुएं है, यहाँ पे कुछ चीजें, चीजों के चित्र दिए हुए हैं। तो कुछ जो चीजें है वो गोल है ना, और कुछ चीजें जो है वो लंबी है। तो आपको क्या करना है, गोल से गोल और लंबी से लंबी चीजें मिलानी है। यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, गोल और लंबा, बहुत आसान है, आप कर सकोगे। हाँ, इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है जो कि हमारी एक्टिविटी है। क्या है एक्टिविटी? गुब्बारों में अलग अलग रंग के कागज के टुकड़े चिपकाओ। मैं फिर एक बार पढ़ रही हूँ, ध्यान दो अच्छे से। गुब्बारों में अलग अलग रंग के कागज के टुकड़े चिपकाओ, यानी कि आपके पास क्राफ्ट पेपर होंगे, है ना। हाँ, तो उसमें से रंग बिरंगे जो कागज रहेंगे उनके टुकड़े बनाओ पहले, ठीक है। और यहाँ पे फेविकॉल से इन्हें आपको इसको चिपकाना है, हाँ, जिसको हम कोला थम कहते हैं, है ना। हाँ, तो ये करना है वहाँ पे कोला थम, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है चित्र देखकर नाम लिखो। बहुत ही आसान है, पहला चित्र किसका लिखो, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सिर्फ पांच चित्र दिए हुए हैं। हाँ, इसके बाद हमारा पांचवा सवाल है खेलने की चीजों के नाम लिखो, यानी कि कुछ चित्र यहाँ पे है जिससे हम क्या करते हैं, खेलते हैं, हमारे टॉयज है यहाँ पे, खिलौने हैं। हाँ, तो इनके नाम हमें क्या करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। इस बात की आपके पास एक वर्कशीट होगी, तो वो भी आपको अच्छे से क्या करनी है, छुड़ानी है। उसमें आपको गुब्बारों का चित्र निकालना है और जो रंग आपको पसंद है उससे आपको उसको रंग करना है। और एक बात ध्यान में रखो बच्चों, आपको काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको जो पसंद है, लाल रंग, हरा, बैंगनी, किसी भी कलर का, किसी भी रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आज हम यही रुकने वाली है, इसके आगे की पढ़ाई हम बाद में करेंगे। बच्चों, ये सब पढ़ाई जो अच्छे से करेगा उसे मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए, चाहिए ना। हाँ, तो बच्चों अच्छे से